हम अपने आवाम से जानना चाहते हैं कि वो हमारी हुकूमत में खुश हैं या नहीं। अब अगर हम बादशाह बन के जाएंगे तो वो हमारे आगे सहम जाएंगे, हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भेष बदल के जा रहे हैं ताकि वो हमसे खुल के बात कर सके। मुझे तो लगता है हमारे बादशाह भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। अरे बीरबल की बुद्धि में भ्रष्टता भरी पड़ी है। एक तो हमारी आवाम को भड़काते हो और हमारी भोली भाली आवाम आपके भड़कावे में आकर हमें गलत समझती है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे और कैद खाने की हवा खिलाओ। जहां फना ये बताइए हम जहां कहां रहे हैं। आपको पता है बलदेव कि हमारी सल्तनत कितनी फैली हुई है? क्या बहुजूर, आपको खुद नहीं पता कि आपकी सल्तनत कितनी फैली हुई है? पता नहीं राज कैसे करते हैं। मुझे पता है बुबू कि मुझे नहीं पता कि हमने भेस क्यों बदला ये सब। हम अपने आवाम से जानना चाहते हैं कि वो हमारी हुकूमत में खुश हैं या नहीं। अब अगर हम बादशाह बन के जाएंगे तो वो हमारे आगे सहम जाएंगे, हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भेस बदल के जा रहे हैं ताकि वो हमसे खुल के बात कर सके। ओहो, वो देखिए वहां पर एक आदमी है, हम उससे जाकर बात करेंगे। आप लोग यहीं पर रुकिए, ये काम हम पर छोड़ दीजिए। भाई साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। आपके इस राज्य में क्या है? तो क्या कुछ है? नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे। अरे जाओ यहां से, काम करने दो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं समय व्यर्थ करने के लिए। अरे इतना गुस्सा होता है, होता है। और भी देखिए, एक और आ रहा है, उससे पूछते हैं। अरे रुके भाई साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ, पहले एक गट्ठर पकड़ियो। अरे हम पकड़ लेते हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अरे गट्ठर हिल रहा है, आराम से भाई, आराम से पकड़ो। हम ठीक से पकड़ रहे हैं, आप बताइए। क्या गट्ठर पकड़ना नहीं आता है आपको? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम खुद एक गट्ठर हो। इसे अपने मोटे पेट को देखो, ऐसा लगता है 4-5 गट्ठर तो इसमें ही भरे पड़े हैं। अरे ठीक से गट्ठर पकड़ना नहीं आता है। अरे नहीं पकड़े जिंदगी में गट्ठर, हमको नहीं आता है गट्ठर पकड़ना, कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यही रख दीजिए। हमारी बैलगाड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे ना। हाँ, हम पूछना चाह रहे हैं। फिर मिलेंगे तो फिर पूछ लेना। अरे अच्छा चलो, लेकिन क्यों मिलेंगे हम आपसे, कब क्या? लोग इतना जल्दी पे क्यों रहते हैं हमारे राज्य में? अरे क्या हुआ जापना, कुछ पता चला? हाँ, हमें ये पता चला कि हमें गट्ठर उठाना नहीं आता। अरे तो मुझसे पूछ लिया होता ना बुबू। मुझे पता है, गट्ठर को हमेशा हाथों से ही उठाया जाता है बुबू। और अगर हाथ काट दिए जाए तो कैसे उठाया जाता है? अरे सलीम भाई साहब जवाब दो। चलिए थोड़ा और अंदर गांव में चलते हैं, और कुछ लोग मिल जाएं, किसी के घर में जाकर पता करते हैं। आइए आइए, मायूस नहीं होते जिंदगी में, मायूस नहीं होते। सही कह रहे हैं, कोशिश करते चलिए। ये आइए, वो देखिए वहां पर कोई है, हम पूछते हैं। नमस्ते भैया, हम क्या है कि दूसरे गांव से आए हैं आपके इस नगर का भ्रमण करने। तो मैं क्या करूं? नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ की व्यवस्था कैसी है। अरे क्या खाक व्यवस्था है, सुबह से एक रस्सी ढूंढ रहे हो तो मिली नहीं। नहीं नहीं, हम आपके घर की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके इस राज्य की व्यवस्था कैसी है। अरे भाई, जब घर की व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो राज्य की व्यवस्था अच्छी होगी। ये बात बादशाह को सोचनी चाहिए कि नहीं, है कि नहीं है? अरे लेकिन आपके बादशाह को आपके घर की व्यवस्था के बारे में कैसे पता होगा?
अरे एक बादशाह का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिक की हर एक परेशानी को दूर करे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं सुबह से परेशान हूँ, मुझे अग्रसी नहीं मिल रही है और बादशाह को फिक्र ही नहीं है, है? तो आप क्या चाहते हैं कि बादशाह यहाँ पर आके आपकी रस्सी आपके साथ ढूंढे? अरे वो कहाँ आएंगे, उन्हें अपने महल के ऐसो आराम से फुर्सत मिले तभी तो दुखियारी जनता का हाल जानने आएंगे। आपके कहने का मतलब है कि आपके बादशाह को अपनी आवाम, अपनी रियासत की कोई फिक्र ही नहीं है? अरे उन्हें तो बस अपनी ऊपर की कमाई की फिक्र है। ऊपर की कमाई? ये ऊपर की कमाई क्या होती है? आपको लगता है आपके बादशाह अपने महल की छत पे बैठ के सब्जियां बेचते हैं? अरे भाई तुम बहुत भोले हो, तुमको कुछ पता नहीं है। बादशाह की जो है बड़े बड़े व्यापारियों के साथ सांठगांठ है, तभी तो इतना महंगा हो गया। ये सब कपड़ा उपड़ा कहाँ से लाए तुम इतना महंगा कपड़ा? आपको ये सब बातें कैसे पता? मुझे सब अंदर की खबर है। आपको ये अंदर की खबर देता कौन है? अरे वो अपने, अरे रस्सी नहीं मिल रही अभी तक। अरे रस्सी को छोड़ो, हमें ये बताइए आपको ये सारी बातें कौन बताता है? अरे रस्सी कैसे छोड़ दे, मटका के तुम्हारे पजामे के नारे से बांधेंगे। अरे ओफो, हम आपकी रस्सी ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, रुकिए। शहजादे सलीम। हाँ। अरे मतलब सलीम गधे, सलीम गधे, गधे सलीम। अरे इनकी रस्सी खो गई है, जरा इनकी रस्सी इनको ढूंढ कर ला कर दीजिए। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, साथ में लेकर आए हैं इन्हें। बचपन के दोस्त? पर उम्र में तो आपसे काफी। हाँ, वो क्या है कि हम वर्जिश बहुत करते रहते हैं, इसलिए हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। मतलब हमारी उम्र है ही नहीं, हम बहुत छोटे हैं। आप जाइए रस्सी ढूंढ कर लेकर आइए, जाइए जाइए। आप अब हमें ये बताइए कि रस्सी तो आ जाएगी, हमें बताइए कि ये सारी की सारी बातें जो आपको पता है हमारे राज्य, हमारे मतलब राज्य के बारे में, आपके रियासत और राज्य के बारे में, ये आपको कौन बताता है? अरे वो तो अपने कजरी लाल है ना, कजरी लाल भैया। बहुत विद्वान आदमी है। आज उनकी सभा है, आ जाना तालाब के किनारे तुम भी। कजरी लाल, ये लीजिए आपकी रस्सी। अरे वाह, मिल गई रस्सी, वाह बहुत बहादुर नौजवान हो। शाही। वैसे एक बात बताओ, ये रस्सी कहाँ मिली? यही बगल में जो आपका कुआ है ना, वहीं पे फिजूल में एक बाल्टी के साथ बंधी हुई थी। हमने बाल्टी खोलकर कुएं में फेंक दी और रस्सी खोलकर यहाँ ले आए। अरे बेवकूफ, अब हम कुएं से पानी कैसे निकालेंगे? भाग यहाँ से। आ रहे हैं। पता लगाना होगा कि कजरी लाल है कौन। मुझे बताया कजरी लाल कौन है? कौन? अभी उस आदमी ने बताया ना कि कजरी लाल एक विद्वान है। क्या बुबू आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो? बलदेव चुप कर बेवकूफ। अरे चुप कर बेवकूफ। जा बना, आज कजरी लाल की सभा है, चल के देखते हैं कि कजरी लाल चीज क्या है और क्यों ये हमारे ही आवाम को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। सभा, कजरी लाल की सभा। कुआं किस तरफ था? इस तरफ। तो फिर सभा इसी तरफ होगी, आइए। भाइयों, मैं तो आम आदमी हूं जी। इस बादशाह अकबर ने हम पर बहुत जुल्म किए, पर अब जनता जाग गई है, वो अब चुप नहीं बैठेगी। बादशाह अकबर को हमारे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। भाइयों, अगर आप लोग मेरा साथ दो तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं तो आम आदमी हूं जी। इस बादशाह अकबर का नया फरमान आया है कि किसानों की जमीनें लेकर वहां शाही घोड़ों का अस्तबल बनाया जाएगा, और इतना ही नहीं, हमारे चूल्हे में काम आने वाले ईंधन, कोयला और लकड़ी, इनके दाम भी बढ़ाए जाएंगे। मुझे तो लगता है हमारे बादशाह भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। बीरबल की बुद्धि में
भ्रष्टताप भरी पड़ी है। सही बोल रहे हैं, तानसेन के सुरों में भ्रष्टता ही भ्रष्टता है। सही बोल रहे हैं। और तो और, वजीर आजम बलदेव की चोटियों में घोटाले भरे पड़े हैं। अरे मैं तो कहता हूं बलदेव की चोटियां काट देनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये सब के सब भ्रष्ट हैं। मैं तो आम आदमी हूं जी। बस बस बस, बहुत हुआ हमारी आवाम को भड़काने की कोशिश। बादशाह अकबर सही बोल रहे हैं। भागो, सर को गिरफ्तार कर लो इसे। अरे बुबू, हम तेरे को लाए नहीं। अरे तो आपने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नहीं बुबू, हमने तो नहीं पहनी। हम किसी चूड़ी वाली औरत को बुला कर लाते हैं, वो पकड़ लेगी। अरे खुद गिरफ्तार करो तुम। अच्छा हाँ। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? अरे जनता देखो देखो, ये सब मिले हुए, मैं तो आम आदमी हूँ जी। भाग गई तुम्हारी जनता। एक तो हमारी आवाम को भड़काते हो, और हमारी भोली भाली आवाम आपके भड़कावे में आकर हमें गलत समझती है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे और कैद खाने की हवा खिलाओ। ले जाओ इसे। अरे मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ जी। आम आदमी हो गया जापना। वाह 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 तानसेन, वाह वाह वाह, जापना की जय हो। अरे आइए आइए फूलचंद, आइए बताइए हमारे ये नए दुश्मन कजरी लाल के क्या हाल है। कैद खाने में रहकर कुछ अकल ठिकाने आई इस आदमी की कि नहीं? अरे क्या बताएं हुजूर, उस कजरी लाल ने तो कैद खाने में भी काफी उधम मचा दिया है हुजूर। उसने तो कैद खाने के सारे कैदियों को भड़का दिया है। उसने वहां के कैदियों को वहां का खाना न खाने के लिए भी कह दिया है हुजूर। हाँ, कहता है कि ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते जो वो खा रहे हैं। हाँ हुजूर। गुस्ताख की इतनी हिम्मत। अरे इतना ही नहीं हुजूर, वो तो यहाँ तक कह रहा है कि कैद खाने की कोठरियों की व्यवस्था उचित नहीं है। कहता है कि हवा के आने जाने का उचित इंतजाम नहीं है, हैं? अरे इतना ही नहीं जापना, वो तो कारावास से कर्मचारियों को भी भ्रष्ट बताता है। धन लिए बिना वो अच्छा खाना नहीं देते, ऐसा कहता है वो हुजूर। अब हुजूर, कल तक जो कैदी आपके नाम के गुणगान किया करते थे कैद खाने में रह करके भी, आज वो आपके खिलाफ मोर्चे बंदे पे उतर आए हैं, भूख हड़ताल पर उतर आए हैं हुजूर, उस तरह खोल के। हाँ ये आदमी तो हद से बढ़ता जा रहा है जापना। इस कजरी लाल का दिमाग तो सातवें आसमान पर है जापना। हम तो कहते हैं इस कजरी लाल को मौत की सजा सुना दी जाए। सही कह रहे हैं आप वजीर आजम, हम इस कजरी लाल को सजाए। रुकिए जापना, जापना क्रोध में आकर लिए गए फैसले अक्सर घातक साबित होते हैं। बिल्कुल सही कहा बीरबल जी, और अब्बा हुजूर आपको तो इसका अंदाजा होना चाहिए। जब अम्मी जान क्रोध में होती है तो आपके लिए कितना खतरनाक हो जाता है वो। पता है हमें, पता है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं बीरबल? आपको लगता है ये गुस्ताखी कजरी लाल की माफ करने लायक है? जापना हमारे हिसाब से कजरी लाल ने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। लीजिए बीरबल जी को तो आपसे ज्यादा कजरी लाल की फिक्र है। बलदेव आप कहना क्या चाहते हैं बीरबल? जापना हम मानते हैं कि कजरी लाल ने आपके शान में गुस्ताखी की, मगर मौत की सजा तो देश द्रोह के लिए होती है, और अपने राजा अपने बादशाह की आलोचना करना किसी भी तौर पर देश द्रोह नहीं। अगर आपने उसे मौत की सजा दे दी जापना, तो हमारे राज्य के लोगों में गलत संदेशा पहुंच सकता है। वो तो ठीक है बीरबल, लेकिन फिर हम इस कजरी लाल का करें क्या, आप बताइए। जापना अगर हमारी माने तो कजरी लाल को आजाद किया जाए।
रिहा कर दिया जाए उसे कैद खाने से। जापना बीरबल जी का बस चले तो ये कजरी लाल को इनाम भी दे दें। खामोश खरगोश। मुझे पता है कजरी लाल को क्या इनाम देना चाहिए। झाड़ू। बालदेव, अब इस महल में या तो हम रहेंगे या हम ही रहेंगे। और आप कैसी बातें कर रहे हैं बीरबल, आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं, रिहा करने से क्या होगा? जा बना, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि हमारा फैसला गलत, लेकिन अगर कजरी लाल को कैद खाने में रखा गया तो वहां के कैदी अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे और उनकी जान को खतरा हो सकता है, और ये हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हम कजरी लाल को आजाद कर देते हैं, रिहा कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो इसको आपकी दरिया दिली समझे और उसका दृष्टिकोण आपके लिए बदल जाए। शायद आप सही कह रहे हैं। बलदेव जामना, इस कजरी लाल को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। जी जामना। अब कुछ दिनों बाद हम दोबारा नगर जाएंगे और इस कजरी लाल की गतिविधियों पर खुद नजर रखेंगे। ओ, तो ये बात है। अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि बादशाह अकबर ने वो वासु, ये अप्पा हुजूर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? हमें सुननी चाहिए। हाँ, वो कोई चीज की हुई है। वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार नाम की भी कोई चीज की हुई है। भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार हमने पहले भी सुना है, लेकिन ये होता क्या है? मुझे पता है, भ्रष्टाचार अचार जैसी कोई खाने की चीज होती होगी। मैंने भी एक चीज सुन रखी है उनके बारे में। क्या? वो कपड़ा व्यापारियों से गद्दी के नीचे से धन लेते हैं, और लकड़ी व्यापारियों से भी खूब धन खाया उन्होंने। वासु, अब्बा हुजूर धन खाते भी हैं, तभी वो इतने मोटे हैं। मुझे पता है, वो खूब धन खाने के बाद ऊपर से पानी भी पी लेते होंगे। अरे हमसे कजरी भैया हमसे कह रहे थे कि कारावास में उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, वो भी सोची समझी साजिश के तहत। वो कैसे? वो अपने कजरी भैया सर पे जो कपड़ा बांधते थे ना, अरे ठंड से बचने के लिए वो कपड़ा उनसे कारावास में उतरवा लिया गया, फिर उन्हें जुकाम पकड़ लिया और जुकाम की वजह से उनके नाक से इतना पानी बहा कि पूरे कारावास की कोठरी में पानी पानी भर गया। फिर बाद में उनको उसी पानी में धोकर मारने की कोशिश की गई थी। उस पानी में? हाँ। नाक के पानी में? चलो चलते हैं, चलते। देखा वासु, इन्हें हम दिखे भी नहीं, शाही खून है हम। ऐसे वासु, अब्बा हुजूर ने जो भी कुछ किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है, हुकू को कजरी लाल का सर कलम कर देना चाहिए था। हाँ? अरे सलीम ऐसा, हम तो पहली मंजिल पे थे सलीम ऐसा। भाई मैं तो आम आदमी हूँ जी, पता है कारावास में कैसा खाना मिलता है? दाल पानी से भी पतली, ऐसा खाना कोई जानवर भी नहीं खाए। पर मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैंने वो खाना खा लिया। मैंने कैदियों को समझाया तो उन्होंने मेरा साथ दिया और हमने भूख हड़ताल की, और फिर बादशाह ने डर कर मुझे रिहा कर दिया। अब हमें हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुद ही लड़नी है, और उस लड़ाई का नाम होगा हिंदुस्तान विरुद्ध भ्रष्टाचार। अब हम बादशाह अकबर के जुल्मों को नहीं सहेंगे। अब हम आपके जुल्मों को भी नहीं सहेंगे।
अरे बादशाह अकबर आ गए, भागो। मरने के लिए तैयार हो जाइए। जापना ऐसा मत कीजिए। पल आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से हम पहले भी इन्हें आजादी दे चुके, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप पीछे हट जाइए बीरबल। जापना हमारी खातिर इनकी जान बख्श दीजिए। अरे लीजिए, आपके खातिर एक बार फिर हम इनकी जान बख्श देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सजा के हकदार हैं? जापना, अगर आपकी इजाजत हो तो इनकी सजा हम मुकर्रर करें। कीजिए, आप इनकी सजा मुकर्रर कीजिए, लेकिन इनकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। सख्त और धर्म का तो पता नहीं, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि इनकी जो भी सजा हम मुकर्रर करेंगे, आप उससे पलटेंगे नहीं। हम आपसे वादा करते हैं बीरबल, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपनी जबान देते हैं आपको। तो ठीक है जापना, इनकी सजा यह है कि आपकी जगह इन्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए।